बिग शॉट शूटिंग एकेडमी में निशानाबाजों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्योति रंधावा रहे। ज्योति रंधावा वन ऑफ द बेस्ट इंडियन गोल्फर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड कप में कई बार अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं और गोल्फ के क्षेत्र में बहुत ही जाना पहचाना नाम रखते हैं। आपको बता दें, बिग शॉट शूटिंग एकेडमी में 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एकेडमी के 3 निशानेबाज इंडियन आर्मी एवं सीआरपीएफ में चयनित हुए हैं, जिनमें निशान त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी इंडियन आर्मी, राजन तोमर पुत्र श्री रमन तोमर इंडियन आर्मी राजपूत रेजिमेंट एवं हर्ष तोमर पुत्र श्री देविंदर तोमर का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दिल्ली में चयन हुआ। हर्ष तोमर फिलहाल निशानेबाजी की भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 8 लाख की खेलो इंडिया स्कीम में भी चयनित हो चुके हैं। इसके अलावा एकेडमी के तकरीबन 15 निशानेबाज इंडियन टीम की सिलेक्शन ट्रायल के लिए चयनित है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महिला निशानेबाज अनु तोमर ने ज्योति रंधावा का जोरदार स्वागत किया और द्वितीय एसपीओ नेशनल अवार्ड का भी यह शुभारंभ किया गया, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अनु जी, मैं जब शूटिंग करता था तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी शूटिंग में वहाँ पे, और यहाँ पे एक मेरे दोस्त की हैसियत से उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने एक शूटिंग रेंज चलाई हुई है, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है शूटिंग करने को, और अच्छा लगा यहाँ के लोगों ने मुझे जो रिस्पेक्ट दी और जैसे बच्चों से मिलने को मिला और उनके फ्यूचर के बारे में जैसे उन्होंने शूटिंग करी है और कहाँ तक जाएंगे और क्या करेंगे, तो ये एक उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप इंटरनेशनल गोल्फर हैं सर, शूटिंग की ओर कहाँ से रुझान? देखिए, स्पोर्ट्समैन तो स्पोर्ट्समैन होता है, चाहे वो शूटिंग में हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो या गोल्फ हो, मेरी स्पोर्ट्स में रुचि है, सब स्पोर्ट्स में खेलता हूँ और शूटिंग भी करता हूँ क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो शूटिंग से काफ़ी हमारा संबंध रहा है। एंड उसके बाद जब दिल्ली में आए और जहाँ शूटिंग रेंज में देखा और वहाँ जाके मेरे कुछ दोस्त बने और वहाँ ट्रैप्स की 0.22 एयर राइफल एयर पिस्टल जब करने का मौका मिला तो मैंने किया, और एक बिग बोर्ड चैम्पियनशिप में भी मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो ये एक तरीके से शौकिया था, गोल्फ मेरा प्रोफेशन है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महिला निशानेबाज अनु तोमर ने ज्योति रंधावा का जोरदार स्वागत किया और द्वितीय एसपीओ नेशनल अवार्ड का भी यह शुभारंभ किया गया, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। देखिए, ये एक हमारी एकेडमी है, बिग शॉट शूटिंग एकेडमी के नाम से ये हमने यहाँ पे 3 साल पहले खोली थी। अभी यहाँ पर बहुत बच्चों की ग्रोथ हो रही है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं शूटिंग के लिए, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर 3 बच्चों का ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बागपत क्षेत्र से 3 बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ में हुआ है। आज मुख्य अतिथि के रूप में इंटरनेशनल गोल्फर ज्योति रंधावा जी आए, किस तरह से आपके कॉन्टैक्ट से हुए जो यहाँ पे? देखिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ज्योति रंधावा का नाम है गोल्फ के क्षेत्र में, अगर जीव मिल्खा सिंह के बाद किसी का नाम आता है तो वो ज्योति रंधावा है। बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और अभी भी हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं अपने गोल्फ के क्षेत्र में, उनसे पावरफुल मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। उनको शौकिया तौर पर शूटिंग करने का उनका मन करता था तो वो शूटिंग रेंज पर आते थे, ऐसी शूटिंग रेंज पर उनसे मुलाकात हुई तो कभी कभी वो उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनके लिए हेल्प कर देती थी, तो ऐसी उनसे जान पहचान हुई। वो 300 मीटर इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं वो जब भी शूटिंग में खेलते हैं, तो ऐसी धीरे धीरे उनसे जान पहचान बनी। तो आज हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें 3 हमारे शूटर्स अभी सरकारी नौकरी के लिए चयनित हुए हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर क्या आप हमारे एक छोटे से क्षेत्र में आप आ सकते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वही होती है जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमेशा मदद दे, जो उनको एक रास्ता दिखाए, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और फिर हमने ये प्रोग्राम आज का ऑर्गेनाइज किया।